नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएनसी। ये एक पोइम है जिसे लिखा है कामाऊ ब्रैथवेट ने। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कामाऊ ब्रैथवेट के बारे में, उसके बाद हम एनएनसी ये जो पोइम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रैथवेट का जन्म हुआ था 11 मई 1930 में बारबेडस में, एंड इनकी डेथ हुई थी 4 फरवरी 2020 में बारबेडस में। ये जो बारबेडस है जहाँ पे इनकी डेथ है, ये बॉर्न हुए हैं, ये एक वेस्ट इंडीज़ आइलैंड कंट्री है जो नॉर्थ अफ्रीका के कैरेबियन रीजन में पड़ता है। ये जो कामाऊ ब्रैथवेट थे, ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो इनके जो फेमस वर्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है राइट्स ऑफ पैसेज, ये 1967 में पब्लिश हुआ था। सेकंड है आइलैंड्स, ये 1969 में पब्लिश हुआ था। एंड थर्ड है हिस्ट्री ऑफ वॉइस, ये 1979 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा जो इनको फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला अवार्ड है फुल ब्राइट फेलोशिप, ये इनको 1983 में मिला है। एंड सेकंड ग्रिफिन पोइट्री प्राइज़, इंटरनेशनल विनर भी रहे हैं ये 2006 में। एंड थर्ड 2015 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल इनको मिला था पोइट्री सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा। तो यही था आपका कामाऊ ब्रैथवेट के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनएनसी जो हमारी पोइम है उसके बारे में। तो इस पोइम से रिलेटेड हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोइम की इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की ब्रीफ समरी, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की एनालिसिस। तो बारी बारी से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस पोइम की इंट्रोडक्शन। इस पोइम में एनएनसी जो है वो एक चालबाज मकड़ी है जो अक्सर प्रैंक्स करती है, एंड यहाँ तक कि वो मनुष्य का आकार भी लेती है। एंड ये जो एनएनसी है, ये पश्चिम अफ्रीकी और कैरेबियन लोकगीतों में प्राइमरी कैरेक्टर में से एक भी है। मतलब कि ये जो पश्चिम अफ्रीका एंड कैरेबियन लोग जो लोकगीत गाते हैं उसमें भी ये जो एनएनसी है ये एक एज अ करेक्टर उसमें आता है उन लोकगीतों में। एंड इस पोइम को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में एनएनसी जो है वो सोचती है और अपनी कंट्री के नेटिव कल्चर को याद करती है, अपने इतिहास को याद करती है जो कभी एग्जिस्ट करता था बट अब वो जो है वो खो चुका है। एंड पोइम के सेकंड पार्ट में जो एनएनसी है वो अफ्रीका की पिछली कहानियों, संस्कृतियों, शब्दों, गीतों को जो है बाइंड करके अफ्रीका की खोई हुई संस्कृति को फिर से बुनने की कोशिश करती है। मतलब कि अफ्रीका की जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है जो अब खो चुका है, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। एंड इस तरह से जो एनएनसी है वो भगवान की तरह डेड अफ्रीकन कल्चर को जिंदा करती है। एंड यहाँ पर जो अफ्रीकन कल्चर है, मतलब कि जो मर चुका है, जो बचा नहीं है, उसको ये रिक्रिएट करती है, मतलब कि जीवित करती है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जो आपके अफ्रीकन्स हैं उनके ऊपर जो है राज करते हैं यूरोपियन। तो हुआ क्या है, जब यूरोपियन उन पर राज कर रहे हैं तो अफ्रीका का जो पुराना कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो भी उनके प्रीवियस रिचुअल्स थे, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन कल्चर अब खो चुका है, जो अब बचा नहीं है, तो एनएनसी जो है वो उस अपने प्रीवियस कल्चर को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उस कल्चर को फिर से वापस लाना चाहती है जो कॉलोनाइजर्स की वजह से लॉस्ट हो चुका है। कॉलोनाइजर्स मैंने आपको बताया, कॉलोनाइजर्स अंग्रेज थे जिन्होंने अफ्रीका पर राज किया था। तो जो राज करते हैं वो कॉलोनाइजर्स होते हैं, जिनके ऊपर राज होता है वो कॉलोनाइज्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का ले लो, तो जो इंडियन पीपल थे जब ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर राज किया था, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो आपके कॉलोनाइजर्स हुए, एंड जिनके ऊपर राज हुआ यानी कि इंडिया के लोगों पर राज हुआ था, तो वो कॉलोनाइज्ड हुए। तो यही थी इस पोइम की इंट्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पोइम की ब्रीफ सी समरी। तो पोइम की स्टार्टिंग में जो पोइट हैं वो कहते हैं कि एनएनसी एक शलाक मकड़ी है जो अपनी खुली आंखों के साथ एक मार्जिन पर बैठकर सोच रही है। पोइट बताता है कि उसके दिमाग में पास्ट का कल्चर, पास्ट के मिथ की कुछ यादें हैं, एंड ये यादें उसके मन की गहराइयों में दफन हैं जिनके बारे में वो सोच रही है। एक्चुअली यहाँ पर जो पास्ट का कल्चर एंड पास्ट की जो मिथ्स हैं, ये आपका बताया है अफ्रीकन पास्ट के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, यानी कि ये जो एनएनसी है ये अफ्रीकन जो पास्ट का कल्चर है के बारे में सोच रही है, उनकी यादों में खोई हुई है। एंड ये मकड़ी जो है ये भूले हुए एंड खोए हुए पुराने अफ्रीकी इतिहास को, उनके अतीत की कहानियों को, उनके कैरेबियन जो पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, उसको याद करती है। एंड ये गाँव के पुराने गीतों को, लोकगीतों को, उनके संगीतों को, उनके त्योहारों को भी याद करती है जिन्हें अब लोग भूल चुके हैं।
तो इसके बाद आगे पॉइंट बताता है कि अपने लॉस्ट एंड डेड कल्चर के हिस्ट्री के बारे में सोचने के बाद जो एनएनसी है वो छत के कोने में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कोई भी झाड़ू नहीं पहुँच सकती है। मींस इस कोने में जो एनएनसी है उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग वर्ड है, इससे पॉइंट का मतलब है अपने पिछले कल्चर में शिफ्ट हो जाना, जहाँ कॉलोनाइजर जो है वो एनएनसी एंड उसकी सोच को कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं। एंड एक और बात कि यहाँ पर जो आपको बैकग्राउंड में ठक 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 की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये मेरे पड़ोस में काम चला है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना। तो एनएनसी के कोने में शिफ्ट होने के बाद जो एनएनसी है वो अपनी पिछली संस्कृति को फिर से बनाने की तैयारी करती है। मतलब कि आपने देखा कि पहले जो एनएनसी थी वो सिर्फ अपनी प्रीवियस जो उसकी हिस्ट्री थी, उसका कल्चर था अफ्रीकन कल्चर, उसको जस्ट याद कर रही थी, उसके बारे में सोच रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो एनएनसी है वो अपनी संस्कृति को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। मतलब कि एनएनसी जो है वो अपने उस अफ्रीकन कल्चर को रिक्रिएट करना चाहती है जो कॉलोनाइजर्स के आने के बाद से नष्ट हो चुकी थी। तो फिर एनएनसी जो है वो अपने अतीत को बुनना शुरू कर देती है। यहाँ पे बुनना इसलिए कहा गया है क्योंकि एनएनसी जो है वो एक मकड़ी बताई हुई है यहाँ पे। तो एनएनसी जो है वो अतीत की बुनाई करती है, जिससे जो परंपरा एंड जो संस्कृति डेड हो चुकी थी वो फिर से राइज करने लग जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो शेडो थी, जो मतलब कि यादें थी आपके एनएनसी के माइंड में, वो अब रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाती हैं। मतलब कि वो अब सच में अपने हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, अपने कल्चर को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो उसकी जो शेडो थी, जो जस्ट उसकी यादें थी, वो अब रियल हो रही हैं। मीन्स जो इतिहास, जो रीति रिवाज, जो भाषा एंड जो कल्चर को लेकर एनएनसी जो भी अपने दिमाग में सोचती थी वो केवल अब छाया नहीं रही है, वो अब रियलिटी बनने लग गई है। तो एनएनसी जो है जब वो अपने पुराने कल्चर को यहाँ पर रिक्रिएट करने में सफल हो जाती है तो वो गॉड के समान बन जाती है। वो गॉड जो अफ्रीकी लोगों की आइडेंटिटी को फिर से वापस लाता है। एंड अब इस अफ्रीकन आइडेंटिटी को एंड अफ्रीकन लैंग्वेज को जो अफ्रीकी लोग हैं वो आसानी से प्राउडफुली जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस पोएम में जो एनएनसी है वो एक रूल ब्रेकर के जैसे है, जो कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज, कल्चर एंड रूल्स को ब्रेक करता है, जिसके द्वारा जो एनएनसी है वो अब अफ्रीका के लोगों की लैंग्वेज को, उनकी आइडेंटिटी को एंड उनके कल्चर को क्रिएट करता है। मतलब उनकी आइडेंटिटी, कल्चर एंड उनकी लैंग्वेज का क्रिएटर बन जाता है। तो यही थी इस पोएम की ब्रीफ समरी। तो अब डिस्कस करते हैं पोएम एनालिसिस। एंड हाँ, एक और बात, जो पोएम एनालिसिस होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इससे आपको जो पोएम के हिडन मीनिंग होते हैं, जो पोएम का हिडन उनका जो मेन मोटिव होता है वो पता चलता है कि पोएम में पोइट ने क्या बोलने की कोशिश की है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम के थ्रू पोइट ने कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज रिलेटेड कानून को चैलेंज करने की कोशिश की है। पोइट ने कॉलोनाइजर्स के रूल को ब्रेक करके उन्हें चैलेंज करने की कोशिश की है। पोइट का मानना है कि जिस अफ्रीकन कल्चर को कॉलोनाइजर्स ने डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, उस अफ्रीकन कल्चर को पोइट फिर से रिक्रिएट करेगा, फिर से वापस लाएगा, बट ओनली बाय रिजेक्टिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज सेट बाय द कॉलोनाइजर्स। मतलब कि पोइट बोलना चाहता है कि कॉलोनाइजर्स के लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक करने के बाद ही वो अपने प्रीवियस कल्चर को, अपने अफ्रीकन कल्चर को रिक्रिएट कर सकता है। तो वो उनके रूल्स को ब्रेक करेगा। एंड एनएनसी जो इस पोइम का टाइटल है, ये डेविएशन को दर्शाता है। एंड ब्रिटिश इंग्लिश में इस टाइटल की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ANANSI है, ना कि ANASE है। लेकिन पोइट ने जानबूझकर इस पोइम की जो टाइटल है वो ANANSE रखा है, आई की जगह पे जो है ई कर दिया है। ये इन्होंने इसलिए किया है ताकि ये अंग्रेजों के, मतलब जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो आपके अंग्रेज थे ना कॉलोनाइजर, ताकि ये कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट जो है अपना रिवॉल्ट दिखा सके, अपने बगावत दिखा सके, तभी इसने इनकी लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ की है यहाँ पे पोइट ने। तभी पोइट ने जानबूझकर अपनी इस पोइम का टाइटल जो है वो ANANSE चुना है, ना कि ANANSI चुना है, जबकि करेक्ट जो था वो आई होना चाहिए था लास्ट में, लेकिन इन्होंने ई लगाया हुआ है। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लिटरेचर होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें पढ़ा जाए। हालांकि जो पोइम है इसमें ओरेचर कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, यानी कि ये एक ओरल लिटरेचर है जिसे केवल सुनकर ही फुली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एंड अफ्रीका का जो पास्ट कल्चर था उसमें जो लिटरेचर होते थे वो ओरल फॉर्म में ही होते थे, जिन्हें सुना जा सकता था।
तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो इस पोइम में पोइट ने भी यूज़ किया है। इस पोइम का जो मीनिंग है वो भी वर्ड्स की साउंड में है। तो इस पोइम में पोइट ने ऑरेचर की इम्पॉर्टेंस को भी रिफ्लेक्ट किया है। तो इस पोइम में ये जो एनएनसी का यूज़ किया गया है एज अ नरेटर, क्रिएटर एंड एज अ रूल ब्रेकर, ये अफ्रीकन लोगों की पावर को सिग्निफाई करता है। वो अफ्रीकन जो कॉलोनियल कल्चर को रिजेक्ट करके अपने एंशियंट कल्चर को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस पोइम में हम कॉलोनाइजर्स का जो डोमिनेटिंग कल्चर है उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट देख सकते हैं, जो रिवॉल्ट अफ्रीकन लोग कर रहे हैं अपने कल्चर को रिक्रिएट करने के लिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि पोइम में जो एनएनसी है वो एक मकड़ी है एंड ये असल में अफ्रीकन लोगों को दर्शाती है जो अपने डेड कल्चर को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मकड़ी जो होती है वो अपना जाला बुनती है, उसी प्रकार यहाँ पर जो आपके अफ्रीकन लोग हैं वो अपने डेड कल्चर को बुनने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पोइम समझ आई होगी एंड अगर आपको पोइम अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।